देखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आइस अकेडमी। पूरा जोशो जुनून से लगे रहिए, समय घट रहा है दोस्तों, एक एक दिन घट रहा है। कल बोले थे कि 50 दिन बचा है, अगर कल का दिन अगर घटा दीजिए, आज कितना तारीख है गौतम? 9 तारीख है। तो कल से लेकर के हमारे पास 50 दिन था, अगर आज खत्म हो गया समझिए कि 49 दिन बचा है। अब मात्र 49 दिन बचा है जंग जीतने में और जंग फतह करने में 49 दिन बचा है। 49 दिन बस खेल जाना है। एक एक दिन घट रहा है, एक एक दिन इम्पोर्टेंट है। कुछ भी कर रहे हैं तो सोच समझ ही कीजिए और अपने प्रिपरेशन में एकदम जोशो जुनून से लगे रहिए। और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आज ये इंडियन ओशन बॉटम रिलीफ का। और हाँ, कल बोले थे दोस्तों कि स्टार्टिंग में पढ़ने से पहले जरूर फिक्स कीजिए कि आज का हमारा टारगेट क्या है। और आज का टारगेट जो है उसको एकदम जियो, एकदम पूरा जोशो जुनून से, एकदम पूरा एकदम जज्बा जुनून से लगे रहिए, उसको कम्प्लीट कीजिए। क्योंकि हर दिन जो यहाँ पे मेहनत होगा ना, वही एक्युमुलेटिव रूप से, वही फाइनल रूप से काम आएगा। ऐसा नहीं कि किसने जोश में आज एकदम 12 घंटा पढ़ लिए और बाकी 10 दिन तक ठंडा है एकदम, आज एक घंटा भी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। जितना भी होगा बना कर रखना है जोश जुनून को। और हर दिन सुबह में ये जरूर अपने आप को देखिए कि आज का टारगेट सेट कीजिए। क्योंकि बिना, जब तक आपको पता नहीं है कि हमको कहीं जाना है, अब ऐसे ही निकल, ये हमको जाना है कि सब्जी लाने जाना है, तब हम दिमाग में क्लियर है कि हाँ वहाँ जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से रास्ता लेते जाएंगे, पहुँच जाएंगे। सुबह में जब आपके पास कोई टारगेट नहीं है, सुबह में आपको टारगेट ही नहीं है, आपको कोई लक्ष्य नहीं है कि आज का मेरा क्या टारगेट है। अगर नहीं लक्ष्य है कि आज का मेरा क्या टारगेट है, तो किस डायरेक्शन में दौड़ोगे? हमको तो जिंदगी का लक्ष्य तो सबको पता है कि हमको, हाँ हमको निर्वाण की प्राप्ति करना है लास्ट में एक दिन तो आंख बंद कर लेना है सबको, वो तो हमको लक्ष्य सबको पता है कि ये करना है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए डेली टारगेट जो फिक्स कर रहे हैं, क्या सही डायरेक्शन में है कि नहीं, एक एक स्टेप बहुत सोच समझ कर रखना है। इसलिए सुबह उठते समय जल्दी उठिए, नहा धो करके, खा पी के फ्रेश हो जाइए पूरा, और उसके बाद बस आज का टारगेट सेट कीजिए। सबसे फर्स्ट डे फर्स्ट काम है जो सबसे पहले होना चाहिए, एकदम फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सुबह में उठिए, टारगेट सेट कीजिए और जो सो जुनून से लगे रहिए, क्योंकि हम अभी जुनून से लगे हुए हैं आपको पढ़ाने में। यह टारगेट का ही मेरा पार्ट है कि वीडियो बनाएंगे, सोचे थे ये पढ़ा करके पूरा वीडियो बनाएंगे, पूरा तैयार करके आए हैं टॉपिक दोस्तों। और शाम में जब बेड पर सोने से पहले आज जरूर सोचिएगा, जैसे कल भी बताए थे, आज सोचिएगा कि टारगेट जो बनाए थे उसमें कहाँ पीछे रह गया। आज हम भी एनालाइज करेंगे और आप भी एनालाइज कीजिएगा, और नहीं होता है ना तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो में कि हाँ सर मेरा ये टारगेट था, इसमें पीछे रह गए, अब उसमें आगे फिर से कोशिश करेंगे। मैं देखूंगा, उसका जवाब मैं आपको दूंगा कि अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो क्या कीजिए आगे। तो ठीक है दोस्तों, जो सो जुनून से लगे रहना है, बस इस बार लेके रहना है। इस बार जो लोग कहते हैं ना सोसाइटी में, फैमिली में, जो लोग कहते हैं ना कि हाँ निठल्ला है, कोई नहीं, सब रोड पे ही घूमता है दोस्तों। सब लोग है ना रोड पे ही घूमते रहते हैं, एक दिन बनने के बाद ना अचानक फर्श से ना अर्श पर चले जाते हैं। तो कोई नहीं जानता कि आप में SDM का टैग लगा हुआ है, या आपको SP का टैग, DSP का टैग लगा हुआ है, या आप CEO BDO साहब आप हैं या क्या हैं। सब एक जैसे होते हैं नहीं निकलने से पहले, जब निकल जाएगा ना अचानक से आपको टैग लग जाएगा कि हाँ BO, उसके बाद तिलक का डिमांड कीजिए कि 90 लाख 80 लाख, ऐसा नहीं करना है। जोक सपोर्ट मतलब कि अच्छे से कीजिए, लगे रहिए जो जुनून से, अब इस बार नहीं छोड़ना है। अगर किसी कारण से रह गया ना तो अलग बात है, जैसे कि गीता में कहा गया ना, एक श्लोक मेरा फेवरेट है, कर्मणे बाधिकरस्ते मा फलेषु कदाचना, मा कर्म फल हेतु भूमाते संगो अस्तु कर्मणि। अपना कर्म करते जाना है बाबू, बाकी जो होगा ना भगवान पे छोड़ देना है। क्योंकि फल के बारे में सोचते रहेंगे ना तो कर्म पे मन ही नहीं लगेगा। अगर सोचते रहेंगे कि हाँ DM बनेंगे तो क्या होगा, जब दाव क्रीम मिलेगी तो क्या क्या होगा, गाना याद आता रहेगा ना, तो मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। ये सच्चाई है। अगर तुम सोचने लगोगे ना कि हाँ DM बन जाएंगे, SDM बन जाएंगे, DSP बन जाएंगे, BDO बन जाएंगे, तो क्या करेंगे, तो फील्ड में निकलेंगे, एकदम 4-व्हीलर होगा, गार्ड होगा, एकदम बंगला होगा, एकदम पूरा ये होगा वो होगा, मस्त करेंगे, एकदम शादी ब्याह करेंगे, मस्त करेंगे, एंजॉय करेंगे पूरा, ये सब सोचोगे, मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। तो ये सब नहीं सोचना है, फल के बारे में नहीं सोचना, कर्म करना है, फल तो आगे मिल ही जाएगा। जो सो जुनून से एकदम फोड़ कर रख दीजिए एकदम, इस बार एकदम लेकर आना है, इस बार साथ में एकदम चलते हैं दोस्तों। इंडियन ओशन बॉटम रिलीफ देखते हैं। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इसके पहले जो टॉपिक पढ़े थे उसका नाम था ओशन बॉटम रिलीफ पढ़े थे, ठीक है ना। इसके पहले जो पढ़े थे ओशन बॉटम रिलीफ पढ़े थे, इंडियन ओशन का बॉटम रिलीफ है, ये बहुत अब स्पेसिफिक हो गया है। जो हम लोग इसके पहले पढ़े वो ओशन बॉटम रिलीफ था। अब ओशन बॉटम में तो पैसिफिक का भी ओशन बॉटम हो सकता है, ओशन में तो अटलांटिक का भी ओशन बॉटम हो सकता है, ठीक है ना, उसमें तो इंडियन का भी हो सकता है। तो जब UPSC का तैयारी कीजिएगा ना तो इसमें सारा कुछ पढ़ना रहता है, सारा कुछ पूछता है।
लेकिन बीपीएससी का सिलेबस में ना सिर्फ इंडिया का ही पूछता है, तो हमको तो बाबू बीपीएससी निकालना है और कवर देना है हम लोग को, इसलिए हम लोग को तो इंडियन पढ़ना है। इंडियन को इस तरह से पढ़ना है ना कि डायग्राम एकदम दिमाग में कंट्रास्ट हो जाए, खाली डायग्राम के थ्रू एकदम लिखना एकदम कम से कम है। देखते हैं क्वेश्चन बॉटम रिलीफ देखते हैं, इंडियन ओशन बॉटम रिलीफ देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसमें एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले इंडियन ओशन के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंडियन ओशन क्या होता है, ध्यान यहाँ लगाओ, कैमरा पर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो, बन रहा है इसका रिकॉर्डिंग सही हो रहा है ना? हाँ, तो क्या दिक्कत है, कैमरा पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इंडियन ओशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो सबसे पहले सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, डायग्राम हो सकता है हमारा, डायग्राम बनाना। आप आई होप कि आप लोग एकदम अच्छा से आप लोग सीख लिए होंगे, अभी कोई फंस नहीं रहा होगा, हाथ किसी का बज नहीं रहा होगा, एकदम एक बार हाथ स्टार्ट हो रहा होगा तो एकदम कोई फंस नहीं रहा होगा आई होप। अगर फंस रहे हैं अभी भी इतना मेहनत करने के बाद भी मेरा, तब ये समझिए मेरा दिक्कत नहीं है, ये आप लोग का दिक्कत है, और ये आप लोग इस पर काम कीजिए। इतना मेहनत करने के बाद आप लोग को फंसना नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया। तो ये मेरा इंडियन ओशन है दोस्त। इसमें क्या करना है ना कि इसमें इंट्रो में सबसे पहले बता देंगे कि इंडियन ओशन है ना, जो बेसिकली इंडियन ओशन का जो थोड़ा सा इंट्रो दे देंगे ना, तो उसमें बता देंगे कि इंडियन ओशन है ना उसका एवरेज डेप्थ है ना वो 4000 मीटर है। ठीक है ना, ठीक है। इंडियन ओशन है जो नॉर्थ में क्या है, इंडियन प्लेट से नॉर्थ में मतलब कि इंडिया है, और ईस्ट में क्या है, ईस्ट में जावा सुमात्रा है और ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, अफ्रीकन है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो इस तरह से इसका थोड़ा सा डायरेक्शन बता देंगे कि इसका कहाँ का पोजीशन लोकेशन क्या है, जो बता देंगे थोड़ा सा। ठीक है ना, डेप्थ हो गया, ये सब हो गया, उसका थोड़ा सा बता देंगे गोंडवाना की तरफ कि जब हमारा इंडियन ओशन था ना, जो हमारा सबसे पहले जो अफ्रीका था या इंडिया था या ऑस्ट्रेलिया था, ये सब था ना, जो अंटार्कटिका साथ साथ में सब ना, ये सब एक लैंड का पार्ट था, जिसको बोलते थे हम लोग गोंडवाना लैंड, पढ़ाए हैं। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे गोंडवाना धीरे धीरे टूट गया। ठीक है ना, जब गोंडवाना टूट गया और टूटने के बाद क्या होगा ना, बिखरने लगा। तो बिखरने लगा ना, तो अफ्रीका और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जगह खाली बच गया, उसमें जो उसमें पानी भर गया, इसी को हम लोग आज बोलते हैं इंडियन ओशन बोलते हैं। ठीक है ना, और इंडियन ओशन एक मात्र ओशन है जिसका किसी कंट्री के नाम पे है, वो कंट्री कौन है, बाहुबली इंडिया। ये इंडिया है अपना, इसी के नाम पे कंट्री है, और ये हमारा अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर तो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। तो ये हो गया, थोड़ा सा लोकेशन दे देंगे इसका, हो जाएगा ना, इसका थोड़ा सा लोकेशन दे देंगे। उसके बाद फिर इसको बता देंगे गोंडवाना लैंड कैसे 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 इंडियन ओशन बना, बता देंगे। ठीक है ना, उसके बाद बता देंगे यहाँ पे कि इंडियन ओशन में बेसिकली कितना तरह का प्लेट है। तो यहाँ पे बता देंगे कि इंडियन ओशन में तीन तरह का प्लेट है, एक तो इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोनों अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग प्लेट होगा, लेकिन हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, दोनों प्लेट को साथ में लेके चलते हैं, पढ़ाए थे कि जब प्लेट बताते तो इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को मिला के एक प्लेट बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियाटिक प्लेट बोलते हैं। फिर यहाँ पे छोटा सा प्लेट होता है अरबियन प्लेट, बस उसको हम लोग उतना कंसिडर करते नहीं है, मेन अफ्रीकन प्लेट हो गया। तो एक अफ्रीकन प्लेट हो गया, यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट हो गया, एक हो गया इंडो ऑस्ट्रेलिक हो गया, और एक हो गया अंटार्कटिका प्लेट हो गया। तो तीन प्लेट यहाँ पे बेसिकली हमारा जो है। ठीक है ना, अब तीन प्लेट है तो जब इंटरेक्ट करेंगे तो अलग अलग तरह का चीज फॉर्म होगा। फिर हम पढ़े थे ना इंडो बॉर्डर, अभी तो ओशन बॉटम रिलीफ पढ़े हैं, तो बताए हैं कि वहां पे हमारा ओशन बॉटम हमारा जब कोई प्लेट इंटरेक्ट करता है तो वहां पे हमारा डिस्ट्रक्टिव प्लेट में भी डिस्ट्रक्ट होता है, हमारा जो क्रस्ट होता है जो, और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री पे हमारा कोई जो क्रस्ट हमारा फॉर्म होता है, जैसे कोलिजन ओसी कोलिजन होता है, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, हमारा डिस्ट्रक्टिव प्लेट है, हमारा जो क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय होता है, और जो हमारा डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता है, वहां पे क्या होता है, हमारा रिज वगैरह बनता है, तो वहां पे बनता है ना, एक तरह से निकलता है नीचे से कुछ कुछ लावा मैग्मा वगैरह। तो ये सब बता दिए, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद एक पर्सन था, उसका नाम था जॉनसन, वो जॉनसन बेबी वाला जॉनसन नहीं, जॉनसन थे, वो बोले थे ना कि इंडियन ओशन को तीन पार्ट में डिवाइड किए थे, एक बोले कि वेस्टर्न इंडियन ओशन, एक सेंट्रल इंडियन ओशन, ठीक है ना, एक ईस्टर्न इंडियन ओशन, वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन और सेंट्रल जोन, वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन और सेंट्रल जोन, जॉनसन बेसिकली डिवाइड किए थे इंडियन ओशन को।
अब बोले कि वेस्टर्न जोन क्या है, तो यहाँ पे एक सेंटर में एक रिज आता है, देखोगे ना इस तरह से, इस तरह से एक रिज आता है सेंटर, इस तरह से सेंटर में एक रिज आता है, इस तरह से सेंटर में एक रिज आता है बीचों बीच में इंडियन ओशन का। इसके वेस्ट में और अफ्रीका के ईस्ट में एक जो जो, जो जगह है ना उसको बोलते हैं हम लोग, इसके बीच का स्पेस को बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न जोन बोलते हैं, ठीक है ना। और ईस्टर्न जोन इसका ईस्ट वाला हो गया, और बीच में जो है ना जो सेंटर जोन हो गया, ठीक है ना। ये बेसिकली जॉनसन बोले थे। अब देखेंगे कि ये हमारा जोन, ये हमारा रिफ्ट आया कहाँ से है। तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार, सॉरी यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, है? यहाँ पे हमारा क्या है, लक्षद्वीप मालदीव है ना। तो लक्षद्वीप है, मालदीव है, तो इसको बोलेंगे मालदीव लक्षद्वीप, यहाँ पे इसको बोलेंगे मालदीव लक्षद्वीप, इसको बोलेंगे मालदीव लक्षद्वीप रिज, है ना। या इसको ऐसे ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं छगोस, छगोस लक्षद्वीप रिज। छगोस इसलिए क्योंकि इसी पे यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे जाओगे ना तो लक्षद्वीप है, यहाँ पे कहीं आओगे नीचे में तो मालदीव है, और नीचे आओगे ना यहाँ पे तो छगोस है, ठीक है ना। यहाँ पे छगोस है। अब सारा ये जो देख रहे हो ना तुम इस तरह से, तो ये एक ही रिज पे एस्टेब्लिश है, सेंट्रल रिज पे है। और नीचे आओगे ना, रिज मतलब क्या होगा, रिज मतलब समझो, रिज मतलब क्या हो गया, इस तरह का कहीं ना, इस तरह का ना एक मतलब कि इस तरह का रिज होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। बताए थे तुमको, बताए थे डगरा बना के, बताए थे ना जी, बताए थे डगरा बना के कैसे रिज रहता है, बनाए थे ना, याद है ना वो सब डगरा। हाँ, तो कुछ रिज ऐसा रहेगा। अब ये जो रिज ऐसा रहता है ना, उसको क्या होता है ना कि नीचे आकर के अगर बहुत चौड़ा, अगर ये सब हो गया, बहुत चौड़ा हो गया, बहुत चौड़ा हो गया अगर, और फ्लैट हो गया अगर, तो क्या होगा, बहुत चौड़ा अगर फ्लैट हो गया तो क्या होगा, वो प्लेटियो का पार्ट हो सकता है ना, है? तो यही है, यहाँ पे आकर के ना ये जो रिज है ना, जो रिज है यहाँ पे बहुत चौड़ा हो गया है, तो इसको बोलते हैं हाई, हाई राइज प्लेटियो है, ये प्लेटियो है यहाँ पे, इसका नाम है या तो छगोस प्लेट्यू बोल दो इसको, छगोस प्लेट्यू, या इसको बोलते हैं अंडरसन, एक अंडरसन, एक अंडरसन सेंट पॉल प्लेट्यू, अंडरसन सेंट पॉल प्लेट्यू। अंडरसन एक आइलैंड है यहीं पे आसपास में ही, और सेंट पॉल भी एक आइलैंड है यहीं पे आसपास में, तो इन दोनों के नाम पे ही पड़ा है, अंडरसन सेंट पॉल प्लेट्यू, या फिर छगोस के नाम पे इसको पढ़ बोलते हैं, छगोस के आसपास ही है ना ये, तो छगोस प्लेट्यू बोलते हैं। तो एक एक हम लोग रिज देख चुके हैं इंडियन ओशन में, ठीक है ना। अब ये बताओ, जिबूती के पास में कोई भी हमारा जो कोई भी प्लेट होता है, तो कहीं से डाइवर्ज होता है कोई भी प्लेट इस प्लेट से, तो ये जो प्लेट बाउंड्री हमारा होता है, सबसे स्टार्ट कहां से होता है, सबसे पहले पॉइंट होता है, एक फ्रैक्चर जोन होता है, पॉइंट होता है। ये पॉइंट एक्चुअली क्या होता है ना, कि तीन तरफ से क्या होता है ना, कि ये फ्रैक्चर होना चालू होता है धीरे धीरे। ये एक तरफ कोई होता ना एक आर्म, वो खत्म हो जाता है, अब दो आर्म रहता है ना, वो फ्रैक्चर का चालू रहता है, इधर से फ्रैक्चर होगा, इधर से फ्रैक्चर होता है, ये कहते हैं कि फ्रैक्चर जोन है, यहीं पे डाइवर्ज होगा, कुछ का एक्टिविटी होता रहता है। तो यहीं पे एक ट्रिपल पॉइंट है, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। यहाँ से क्या होता है ना, कि एक इधर की तरफ गया है एक्टिव आर्म्स, इसका जो एक्टिव आर्म्स है, एक एक्टिव आर्म्स इधर आया है, एक एक्टिव आर्म्स इधर गया है। तो इधर वाला जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है, इधर आ करके चालू हुआ है, लेकिन बाद में फिर इसका मतलब एक्टिव नहीं है अभी, और एक एक्टिव आर्म इधर गया है इसका ट्रिपल पॉइंट का, जिसके कारण से इधर डाइवर्जेंट हो रहा है ना, ये जो रेड सी फैलते जा रहा है, और एक इधर आया एक्टिव आर्म्स, इधर आया तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्टिव हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे एक इस तरह से ना एक रिज बना रहा है, इसको बोलते हैं कार्लसबर्ग रिज। अब बताओ, ये इंडियन ओशन है, ये इंडिया है, इंडिया इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये जा रहा है ना जी, इंडिया नॉर्थ ईस्ट में मूव कर रहा है ना जी अफ्रीकन प्लेट में। तो अब बताओ, कोई भी प्लेट जो होता है, कोई भी प्लेट है इस तरह से, ये यूरोपियन प्लेट है ऊपर वाला, ये इंडियन प्लेट है, ये दोनों कोलाइड कर रहा है, यहाँ पे हिमालय बन रहा है। अब यहाँ पे जब ये प्लेट इधर मूव कर रहा है ना, इसका कुछ पार्ट होगा जो कि इधर डाइवर्ज भी हो रहा होगा, सोचो ना, ये दोनों कन्वर्ज कर रहे, जैसे होता है ना हाई प्रेशर लो प्रेशर,
तो वैसा ही कुछ इसे भी कुछ वैसा ही है, ये दोनों इंडियन प्लेट अभी इधर मूव कर रहा है तो इसके पास में जो प्लेट होगा उसे दूर जा रहा है ना जी, जैसे एक प्लेट के पास आ रहा था इससे दूर जा रहा है ना, तो यहाँ पे कहीं पे अगर कहीं कन्वर्जेंट है तो उसके आसपास में कहीं दूर डाइवर्जेंट भी होगा, तो वही ये डाइवर्जेंट है। अगर इंडियन प्लेट है यहाँ से अगर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो यहाँ पे स्पेस बढ़ते जा रहा होगा ना, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो फ्रैक्चर जोन है ना उसको बोलते हैं ओबेन 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 फ्रैक्चर जोन, ठीक है ना। यहाँ पे जो फ्रैक्चर जोन है उसको बोलते हैं ओबेन फ्रैक्चर जोन, और ये जो रीज है ना उसको बोलते हैं कार्लसबर्ग रीज। समझ रहा है ना ये कैसे बना, क्योंकि अब रीज कैसे बना, क्योंकि ये इंडियन ओशन इंडियन प्लेट उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इस कारण से यहाँ पे डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट डाइवर्जेंस हो रहा होगा यहाँ पे, जिस कारण से रीज बन गया यहाँ पे। ये जो रीज है ना यहाँ पे यहाँ तक अगर रुका नहीं है, ये रीज है ना इस तरह से आगे कंटिन्यू भी किया है, इस तरह से कंटिन्यू भी किया है रीज। आज सीचल्स इसको बोलते हैं सीचल्स रीज, क्योंकि सीचल्स कहीं यहीं पे कहीं लाई करता है सीचल्स, ठीक है ना, समझ रहे अपने समझ रहे। सेशल्स जो कंट्री होगी ना, सेशल्स हाँ कंट्री क्या मतलब छोटा सा आइलैंड इंडियन ओशन में, हाँ हाँ तो यहीं पे कहीं लाई करता है इसलिए इसको बोलते हैं सेशल्स रीज। तो ये कार्लसबर्ग रीज, ये सेशल्स रीज, ये इसको बोलते हैं मालदीव लक्षद्वीप रीज, या इसको इसको छगोस रीज, यही हमारा सेंट्रल रीज है जो हमको इसको बोलते हैं प्लेटियम आके मिलता है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। यहाँ तक डायग्राम पहले से बना के नहीं रखे थे कि पहले से अगर बना लेंगे ना तो समाज में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि डायग्राम समझा समझा के बना रहा है ना कि कौन रीच कैसे बना है। ये हमारा क्या है मेडागास्कर, ठीक है ना, तो ये मेडागास्कर के आसपास में देखोगे ना यहाँ पे मेडागास्कर के आसपास में, तो ये मेडागास्कर का प्लेट्यू है, मेडागास्कर का प्लेट्यू है। यहाँ पे एक यहाँ पे एक बेसिन है उसको बोलते हैं मस्क्रीन बेसिन बोलते हैं, MSCARENE मस्क्रीन मस्क्रीन बेसिन, ठीक है ना, ठीक है। अब ये सब समझ में आ गया, अब बताते हैं कि ये जो प्लेट्यू है हमारा, जो प्लेट्यू है हमारा चौड़ा सा एरिया है, बहुत ही हाइट नहीं है इसका, ये तो रीज है इसका हाइट रहेगा। यहाँ पे आकर के क्या है ना कि ये जो रीज है ना फैल गया है, बहुत चौड़ा एरिया फैल गया, प्लेट्यू समझ रहा है ना, उस तरह से प्लेट्यू बनाता है, लेकिन ये प्लेट्यू बहुत ऊंचा नहीं है। लेकिन यहाँ से इस प्लेट्यू के आस पास है ना यहाँ से ना एक इधर की तरफ एक रीज गया है, यहाँ से एक इधर की तरफ रीज आया है। ये जो रीज है ना इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट इंडियन ओशन रीज, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट इंडियन ओशन रीज, यही तो रीज है। हाँ यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे तुमको कुछ इस तरह से तुमको क्या है अंडमान एंड निकोबार, तो यहाँ से अंडमान निकोबार लेकर के इस तरह से एक रीज आता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं 90 डिग्री ईस्ट रीज। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे आता है हमारा जो हमारा इंडियन 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 जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के आसपास से कुछ है ऐसा है। तो ये जो 97 डिग्री जो आ रहा है ना यहाँ पे इंडियन जो फैला हुआ है ये कहीं 90 के आसपास से चालू होता है, तो इसलिए इसको 90 डिग्री ईस्ट रिज बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कितना तरह का रिज बन रहा है, एक 90 डिग्री ईस्ट रिज है, एक हमारा तुम्हारा कार्लसबर्ग रिज है, एक सेशल्स रिज है, एक तुम्हारा मालदीव, एक तुम्हारा छगोस रिज है, या इसको छगोस लक्षद्वीप रिज कहो या मालदीव लक्षद्वीप रिज कहो, जो आके सेंटर जो आके छगोस प्लेट्यू में मिलता है, तुम्हारा एंडरसन सेंट पॉल प्लेट्यू में मिलता है, वहां से दो रिज स्टार्ट होता है, एक साउथ वेस्ट की तरफ जाता है, एक नॉर्थ साउथ ईस्ट की तरफ आता है, ठीक है ना। इतना रिज है उसमें से फिर देखोगे ना तो यहाँ पे तुमको ना कहीं यहाँ पे तुमको जापान ट्रेंच यहाँ पे तुमको सुंडा ट्रेंच दिखेगा, सुंडा कहो या जावा कहो, जावा ट्रेंच दिखेगा। ये है जो तुमको क्या है सुमात्रा है, और नीचे क्या है जावा, बोलते हैं जावा सुमात्रा, लेकिन जावा नीचे आता सुमात्रा ऊपर आता, इंडियन ओशन से इंडियन ओशन के ऊपर में देखोगे ना अंडमान निकोबार के पास में जावा सुमात्रा है और नीचे जावा है, ठीक है, समझ रहा है ना। ये सब हो गया है और हो गया है फ्रेंड्स, इतना मतलब कि ये है। अब इसमें देखते हैं कि इंट्रो जैसा क्वेश्चन आएगा इंडियन ओशन वाटर रिलीफ पूछेगा, तो पहला तो इंट्रो दे दोगे कि इंडियन ओशन का मतलब कि डेप्थ इतना है, इसका कौन कौन एरिया फैला हुआ है, कितना तरह का इसमें प्लेट है, तीन तरह का मेन बेसिक प्लेट है, और तीन तरह का प्लेट वगैरह बता दोगे, उसके बाद
उसके बाद जॉनसन है, इसको तीन एरिया में क्लासिफाई किया है, ये सब बता दोगे बेसिक, उसके बाद डायग्राम बता दोगे, डायग्राम बना दोगे ना, डायग्राम के बाद क्या बना दोगे, डायग्राम के बाद बता दोगे कि यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे वोल्केनिक आइलैंड्स है, जैसे कि तुम देखोगे ना तो वोल्केनिक आइलैंड्स देखोगे तो कौन कौन है, यहाँ पे तुमको रियूनियन है, यहाँ पे रियूनियन आइलैंड है, ठीक है, और रियूनियन के ऊपर में क्या है, रियूनियन के ऊपर में देखोगे तो क्या है, मॉरिशस है, फिर छगोस है, रियूनियन यहाँ पे है, मॉरिशस यहाँ पे है, छगोस तो यहाँ पे है ही है ना, इस तरह से यहाँ पे रियूनियन है, यहाँ पे मॉरिशस है, यहाँ पे छगोस है, तो ये तीनों है ना, बस खाली वोल्केनिक आइलैंड है, ठीक है, फिर यहाँ पे मेडागास्कर है, और यहाँ पे सोकोत्रा आइलैंड है जो कि येमेन का पार्ट है, सोकोत्रा है, सोकोत्रा हो गया, ये हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब आइलैंड है, लेकिन ये सब कॉन्टिनेंटल आइलैंड है, कॉन्टिनेंट से टूट के बना है, तो ये सब हो जाएगा, ये सब थोड़ा सा बता देना एग्जाम में, बहुत सारा इनलैंड एंड गल्फ है, जैसे गल्फ में क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल एक गल्फ है, ठीक है, और तुमको फिर उसको पर्शियन गल्फ हो गया, और क्या है, रेड सी हो गया, और क्या है, गल्फ ऑफ अडेन हो गया, ये सब बहुत सा गल्फ है, थोड़ा सा इंट्रो दे दोगे ना तो ये सब हो जाएगा। इसके बाद मेन जो तुमको काम स्टार्ट होगा ना, यहाँ से स्टार्ट होगा कि एक नंबर दे करके इसका जो अब क्या करना है, इंडियन ओशन बॉटम का रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ना है, ये तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम लोग डायग्राम बनाए हैं, अब इसका हम लोग रिलीफ फीचर्स पढ़ेंगे, जैसे कि रिलीफ फीचर्स में क्या आता है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया, स्लोप हो गया और राइज हो गया, क्योंकि क्या है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन पढ़ोगे ना तो उसमें तीनों एक ही में ले लेंगे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंट इसके बारे में बताएंगे कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ना जो इंडियन ओशन में, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या, कॉन्टिनेंटल सेल्फ मतलब क्या, जो सबसे पहले जो पानी जहां से स्टार्ट होता है आना होता है सी में, तो उसके आसपास का रीजन बहुत सैलो होता है, बताए थे अभी, सैलो होता है, वहां पर 200 मीटर से ज्यादा गड्ढा नहीं होता है, तो वो सब यहां बता देना कि इसका जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है ना वो मतलब यहां पे बेस्ट आंसर में देखा गया ना, या तो तुम ले लो यहां पे कौन सा सी है, अरबियन सी या बे ऑफ बंगाल सी, तो अरबियन सी में क्या होता है कि यहां भी इंडस रिवर वगैरह फ्लो करती है, यहां भी बहुत सारी फ्लो करता है, गंगा है, गोदावरी है, यहाँ पे बहुत सारी फ्लो करती है ना, तुमको कावेरी है, कृष्णा है, बहुत सारी फ्लो करती है, इस कारण से यहाँ पे तुमको सेडिमेंट्स वगैरह आकर जमा होते रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं कोई ओ कोलिजन वगैरह है नहीं, तो यहाँ पे ट्रेंच वगैरह है नहीं, तो जब यहाँ ट्रेंच है नहीं, इधर ट्रेंच है नहीं, तो यहाँ पे तो जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ सेल्फ होगा वो चौड़ा होगा ना, तो बे ऑफ बंगाल में, अरबियन सी में, या इधर अफ्रीका का जो अफ्रीका का ईस्टर्न बॉर्डर है, यहाँ पे बेसिकली वेस्टर्न जो इंडियन ओशन है ना, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ना वो चौड़ा होता है, करीब 650 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ रहता है, ठीक है ना, 640-650 किलोमीटर के आसपास रहता है, और ईस्टर्न में जो हो गया, जैसे इस रीजन में हो गया, इस रीजन में तुमको इससे में क्या है कि ट्रेंच है, तो इस रीजन में जो होता है ना कम होता है, इस रीजन में क्या होता है 150 किलोमीटर के आसपास, देखो अब तुमको रटना नहीं है हर चीज, हम तुमको जो बेसिक कंसेप्ट दिया उसके हिसाब से समझ में आ रहा है तुमको क्यों होता है, अब ट्रेंच है तो ट्रेंच है, खाई है तो वहां पे बनेगा, वहां पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ बनेगा, सेल्फ बनेगा ये खाई है एक तरह से, सेल्फ कहां से बनेगा, तो ये हो जाएगा, तो लिख दोगे ना कि बेस में चौड़ा है इसका, इधर कम है, अब बता दोगे कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ में ये सेल्फ होता है, इसको जोन को नेरेटिक जोन बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ही इकोलॉजिकल एक्टिव होता है जोन है, इकोलॉजी बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है, फाइटोप्लांक्टन्स वगैरह यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होता है, वर्ल्ड में 90% प्रोडक्शन यहीं पे होता है, एग्जाम्पल इसका क्या है जी, बॉम्बे हाई इसका एग्जाम्पल है, इसका बॉम्बे हाई इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे दोगे ना, उसके बाद दे दोगे कि उसके बाद क्या, पर्शियन गल्फ का, गल्फ ऑफ अडेन का, इस सब हमारा जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है बहुत ही ब्रॉड है, यहाँ पे फिशिंग का भी काम होता है बहुत ज्यादा, ये सब इसका 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 इकोनॉमिक इसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स है सबका, तो ये सब लिखा जाएगा ना, ये सब हो जाएगा ना, होता इसका मतलब कि हर इतना चीज लिखा जाएगा कि सोच नहीं सकता, एग्जाम में तुमको टाइम नहीं मिलेगा लिखने का। फिर कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप राइज के बाद क्या हम लोग पढ़े थे, मौर देख लेते हैं, मौर है तो मौर में क्या है, मौर में लिख दो इंडियन ओशन में बेसिकली जो सेंट्रल रीज होता है, सेंट्रल रीज को बोलते हैं मालदीव लक्षद्वीप रीज बोलते हैं, या इसी को छगोस लक्षद्वीप रीज बोलते हैं, जो कि सेंट्रल रीज होता है, नीचे आके एक प्लेट्यू में मिलता है, प्लेट्यू को संत पॉल प्लेट्यू बोलते हैं, एंडरसन प्लेट्यू बोलते हैं, ये हमारा जो है हमारा इंडियन इंडिया का सदर्न टिप से स्टार्ट होकर के लक्षद्वीप के आसपास स्टार्ट होकर के एकदम अंटार्कटिका तक जाता है, एकदम सदर्न में जाता है ये नीचे तक, उसके बाद इसी से हमारा वेस्टर्न की तरफ एक रीज स्टार्ट होता है, नाम दे देना मौर में कि एक सेंट्रल रीज हो, एक सेंट्रल हो गया, या इसी को मालदीव लक्षद्वीप रीज, या इसी को छगोस लक्षद्वीप रीज बोलते हैं, दूसरा दे देना एक दूसरा क्या होता है यहाँ पे कालसवक रीज होता है, कालसवक रीज बता देना कि कैसे बना है, कालसवक रीज बता दोगे ना,
कि जब इंडियन इंडियन इंडिया इंडियन प्लेट है जो कि यूरोप के प्लेट में जाके कोलाइड कर रहा है, जिस कारण से यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनता है, जिस कारण से यहाँ पे ब्रिज बन गया, इसको कास्ट ब्रिज बोलते हैं, जो कि गल्फ जो कि तुम्हारा अरबियन जो है ना अरब के आसपास का बना हुआ है, यही जो है फिर तीसरा नाम दे देना क्या सिचिल्स रिज दे देना, बोला कि जो कासवर्ग रिज है उसी का एक्सटेंशन है नीचे की तरफ, जो कि फर्दर प्लेटियो के दौर के मिलता है, प्लेटियो की तरफ आता है, तो प्लेटियो की तरफ आ रहा है ना, तो उसको बोलते हैं सिचिल्स रिज बोलते हैं। सिचिल्स आइलैंड है जो इसी पे इस्टेब्लिश है, इसी पे लाई करता है ना, ये अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में है, जो दिख रहा है वही सब लिखना है कि अफ्रीका के ईस्ट में लाई करता है, सिचिल्स इसी पे लाई करता है, ये नीचे आ करके ये प्लेटियो की तरफ मुड़ता है, प्लेटियो से मिलता हुआ दिखता है, और ये ऊपर में कासवर्ग से मिलता हुआ दिखता है, जो दिख रहा है वही लिख देना है, समझ रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा ना, तो बोलते जाओ, नहीं आ रहा तो बताएंगे, तीन, एक हो गया सेंट्रल हो गया, एक कासवर्ग रिज हो गया, सिचिल्स हो गया, इधर वाला खत्म हो गया, एक 90 डिग्री ईस्ट हो गया, तो बता देना कि 90 डिग्री ईस्ट वाला रिज है वो ऊपर में अंडमान निकोबार से स्टार्ट होकर के ईस्ट की तरफ आता है, 90 डिग्री पर लाई करता है, इसलिए इसको 90 डिग्री ईस्ट रिज बोलते हैं, और ये रीजन बहुत ही एक्टिव है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आप सोचो यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो इंडियन ओशन का प्लेट, इंडियन ओशन का जो प्लेट है ना, इंडो अस्ट्रेलिक प्लेट है, वो ये प्लेट है ना इसके अंदर जा रहा है, ये प्लेट इधर मूव कर रहा है ना जी, ये प्लेट पूरा प्लेट ही इधर मूव कर रहा है, तो इधर जब जा रहा है हर चीज, तो ये जो है ना ये इसके अंदर जा रहा है, ये प्लेट, ये इसका प्लेट के अंदर जा रहा है, ये ओशन ये ऊपर वाला है, ये पैसिफिक का प्लेट ऊपर है, ये प्लेट नीचे जा रहा है, तो नीचे जाएगा तो क्या होगा, कुछ यहाँ पे आइलैंड बनेगा, फिर यहाँ पे ट्रेंच बनेगा, बन रहा है ना, तो इस कारण से क्या हो रहा है कि ये चौड़ा भी होते जा रहा है, क्योंकि ये प्लेट उधर जा रहा है, इधर मूव कर रहा है सब प्लेट पूरा, तो ये चौड़ा होते जा रहा है, इंडियन ओशन से एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, तो 90 डिग्री के बारे में लिख दोगे यहाँ पे, और उसके बाद ये रीजन थोड़ा एक्टिव ज्यादा है, अब ये रीजन भी एक्टिव है, लेकिन ये रीजन उतना एक्टिव नहीं है, क्योंकि ये मूव करेगा तो कितना मूव करेगा, दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइड कर रहा है, ये भी कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है, यूरोप भी कॉन्टिनेंट है, इंडियन भी प्लेट कॉन्टिनेंट है, माउंटेन बन रहा है, यहाँ पे उतना ज्यादा एक्टिव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ओशन ओशन कोलिजन हो रहा है, एकदम हराड़ा के नीचे हिल जाएगा जो ओशन प्लेट है नीचे, समझ रहे हो ना, हाँ। ये रीजन बहुत ही एक्टिव है, ये रीजन जो है ना बहुत ही एक्टिव होगा ये रीजन। उसके बाद चौथा हो गया, पांचवा में साउथ ईस्ट रीजन दे देना, छठा में नॉर्थ ईस्ट रीजन, सॉरी साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट रीजन दे देना, बोला कि सेंट्रल प्लेटियो से एक साउथ ईस्ट की तरफ आता है, जो शिगा के नीचे से होते हुए जाता है, जो कि हमारा अंटार्क्टिका जो प्लेट है ना उसके जस्ट ऊपर में आता है रिज बना हुआ, वो साउथ ईस्ट है, इधर बोल देना कि अंटार्क्टिका के जस्ट ऊपर अफ्रीका के जस्ट नीचे में प्लेटियो से हमारा साउथ वेस्ट का डायरेक्शन में जाता है, जो कि साउथ वेस्ट रिज हो गया, ठीक है ना, इसका समय रिज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज हो गया, और उसके बाद रिज हो गया, और क्या बचा, और हमारा डीप सी ओशन बचा, ठीक है, डीप सी ओशन बचा, डीप सी ओशन में क्या पढ़े थे, अब्यासल प्लेन पढ़े थे, और यहाँ पे आइसोलेटेड लैंडफॉर्म्स पढ़े थे ना जी, तो अब्यासल प्लेन में क्या है, यहाँ भी बहुत सारे अब्यासल प्लेन है, वैसे देखो ना इंडिया है ना, इंडिया के आसपास में यहाँ भी जा करके ना, जो यहाँ पे इंडिया का सेल्फ होगा, इंडिया का जो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ होगा ना, तो इसके नीचे भी एक अब्यासल प्लेन है, उसको बोलते हैं इंडियन अब्यासल प्लेन, फिर श्रीलंका के बगल में भी है जिसको बोलते हैं श्रीलंकन अब्यासल प्लेन, एग्जाम्पल के लिए बता रहा है, इंडियन अब्यासल प्लेन, श्रीलंकन अब्यासल प्लेन, इस तरह से एग्जाम्पल देते ना, ठीक है ना, अब्यासल प्लेन हो गया, फिर उसके बाद क्या होना कि इसके 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 बगल में आकर के ना, इसके मतलब कि इस अब्यासल प्लेन में जो प्लेन है सी ओशन का, जो हमारा डीप सी ओशन का जो प्लेन है ना, इस पे बहुत सारा लैंडफॉर्म्स है बना हुआ है, जैसे बताया था ना कि सी मॉन्स होता है, ग्योट्स होता है, तो यहाँ पे सी मॉन्स है, जैसे कि यहाँ पे रियूनियन आइलैंड और सीचल्स आइलैंड, रियूनियन कहाँ पे है, यहाँ बताते हैं रियूनियन आइलैंड है, तो रियूनियन आइलैंड और सीचल्स कहाँ पे है, यहाँ सीचल्स ही है ना, ये सीचल्स रिज है, तो सीचल्स कहीं यहाँ पे है, तो ये दोनों के बीच में ना, ये दोनों के बीच में कहीं यहाँ पे कहीं बीच में बहुत सारा, इसके जो नीचे जो अंदर में जो अब्यासल प्लेन है ना उस पर बहुत सारा देखा गया है, एक्चुअली ये सब तुमको दिखेगा थोड़ा ना, ये सब तो इसे तो बताया था कि चैलेंजर सब चैलेंजर एक्सपेडिशन हुआ, गुलमार एक्सपेडिशन हुआ, ज्वाइंट एक्सपेडिशन हुआ, तो उसमें देखा गया है, वो सब में मैपिंग हुआ है, बता रहे हैं तुमको अभी कि जो यूनियन आइलैंड है, सीचर्स आइलैंड, ये दोनों के बीच में जो है ना बहुत सारा ऐसा देखा गया है कि छोटा छोटा सी मॉन्स वगैरह, ग्योट्स वगैरह है, ठीक है, तो सीमोन सर उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल एक्चुअली मिलता नहीं, हम गूगल से खोज के निकाले हैं इसका, एक को बोलते हैं बार्डिन्स, एक को बोलते हैं बार्डिन्स, और दूसरा बोलते हैं निकितेंस, बार्डिन्स, निकितेंस एंड विलियम्स,
ये तीन को सीमोंस है, ठीक है ना, तीन को सीमोंस है, बार्डिन्स निकेटेंस एंड बिलियंस, ये दोनों यूनियन आइलैंड और इसके बीच में आता है, ठीक है ना। बता देना कि यहाँ पे सीमोंस होता है, ग्योट्स होता है, जो फीचर्स वहां पे पढ़े थे ना, सारा सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, कुछ अलग नहीं रखने का है। तो हम लोग ये देख लिए, दो देख लिए, तीन देख लिए, और क्या इसमें लिखोगे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप हो गया, मिडोसोनिक रिज हो गया, ओशन बेसिन हो गया, अब एक ट्रेंच बता दो, हो तो जाएगा लास्ट में, ट्रेंच बता दो, ट्रेंच में तो बताए थे ना, ट्रेंच में क्या बताए थे, एक जावा ट्रेंच बताए थे तुमको, एक डियामेंटिना ट्रेंच। देखो ये रीजन पूरा एक्टिव है, ठीक है ना, क्योंकि ओशन कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ पे जावा ट्रेंच बन रहा है, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में ना एक डियामेंटिया ट्रेंच यहाँ पे है, क्योंकि पूरा ही प्लेट अंदर जा रहा है ना, तो जहां तहां ट्रेंच दिखेगा ना, जैसे कि तू पैसिफिक में देखता है तो कुरील ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है, फिलीपींस ट्रेंच है, ट्रेंच लगातार ट्रेंच आता है ऊपर में, क्यों, क्योंकि यूरोप का प्लेट है ना वो अंदर जा रहा है, यूरोप का प्लेट है ना एक दूसरे प्लेट के अंदर जा रहा है, वहां वो कोलिजन हो रहा है, हो रहा है ना वो कोलिजन वहां पे। तो अब यूरोप का प्लेट है जो कि मतलब कि ओशन एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर जा रहा है पैसिफिक ओशन में, तो बनेगा ना वहां पे ट्रेंच वगैरह लगता है, ऊपर से नीचे तक बनता है, उसी प्रकार से यहाँ पे जावा ट्रेंच है, और यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं डियामेंटिना ट्रेंच, ठीक है ना। दो ट्रेंच का नाम याद कर लेना, और याद कर सकते हो, देख सकते हो, एक मॉरिशस ट्रेंच है, मॉरिशस के पास में मॉरिशस ट्रेंच, और एक है अमिरांते ट्रेंच। ये दोनों याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिव रीजन में है, और ये तो कहीं ऐसे भी हो सकता है, हल्का छोटा छोटा ट्रेंच हो सकता है ना। एक अमिरांते ट्रेंच है जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में है, यहाँ पे कहीं है अमिरांते ट्रेंच, ठीक है ना। हो तो क्या समझ में आया कि नहीं, बस इसी को लिख लेना है अच्छे से आंसर करना। दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग ऑप्शनल में भी आप लोग को हेल्प मिल रहा होगा, और अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग को मतलब कि बेसिक से आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को नोट्स की भी जरूरत है ना, तो आप लोग वीडियो अगर देखते हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आप लोग के लिए मैं कुछ करूंगा, और बस समझने के लिए अगर देखते हैं तो बेस्ट है, समझ में तो आ ही जाता है, इतना तो मैं समझा देता हूं कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा जरूर, थैंक यू।